तो दोस्तों, हाल फिलहाल में आज ही बिल्कुल अभी मैं मूवी देखकर आया हूँ भोला। भोला एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद मेरे रोंगटे रोंगटे रोम रोम खड़ा हो गया। भोला से पहले कैथी की बात कर लेते हैं, कैथी मूवी की। अगर जिसने कैथी मूवी देख लिया, अगर वो भोला देखने जा रहा है तो उसे भी उतना ही मजा आएगा जितना कि पहली बार तुम भोला को देखोगे, क्योंकि भोला में कुछ अलग नहीं है, बट जो भी है धासु है, कलेक्शन है, एक्शन है, भरपूर एक्शन है। जैसा कि अजय देवगन की एक्टिंग है, दमदार एक्शन सीन्स चलते रहते हैं। मुझे सबसे बेस्ट सीन वो लगा, ट्रक वाला फिर मोटरसाइकिल ले, फिर आग ले, फिर तब्बू के साथ डब्बू ले, निकाले सारे गुंडे ले, जो गुंडे आ रहे हैं भगते भगते, बट जिस बंदे का ट्रक है वो भी फुल मजे दिवा रहा, कॉमेडी दिवा रहा है। हम बात करें इसमें दीपक डोबरियाल की। दीपक डोबरियाल का क्या यार, क्या एक्टिंग है बंदे की। उसने अपनी पूरी जान फूंक दी, जान यहाँ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक जो एक्टिंग किया बंदे ने, ऐसी एक्टिंग शायद ही कोई कर पाता, शायद ही कोई करेक्टर में ढल पाता, क्योंकि उन्होंने जो मज़ा दिवाया है ना, वो मज़ा कोई नहीं दिवा सकता। अब आ जाओ तब्बू पर। तब्बू ने जो एक्टिंग किया, जो इंस्पेक्टर वाला किरदार निभाया है, जैसा कि दृश्यम में निभाया, दृश्यम 2 में निभाया, ऐसा ही किरदार नहीं निभाया इसमें, इससे भी तकड़ा, इससे भी भयंकर किरदार निभाने के बाद जो उभर के आई है, जो होटनेस दिखाई है, वाह, आग ही लगा दी। अब बात करो अजय देवगन की। अजय देवगन की नशीली आंखें, 10 साल से जेल में है, 10 साल बाद जेल से निकल के आया अपनी बेटी से मिलने के लिए, और बीच में कुछ कांड हो जाता है। कांड होने के बाद क्या वो बेटी से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो तो मूवी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। अगर आपने कैथी मूवी देख लिया तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी को ना तो इधर किया गया ना उधर किया गया, बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी रख दी गई है, बट पूरा मजा है, सजा है, जो भी है फाड़ दी, ऐसी फाड़ी कि बॉलीवुड वाले रीमेक करना सीख जाएंगे। अजय देवगन से ऐसा रीमेक करना चाहिए जैसा कि उन्होंने दृश्यम में किया, रीमेक दृश्यम में करते दृश्यम में फाड़ दी, फिर दृश्यम 2 में फाड़ दी, उसने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया, ब्लॉकबस्टर की मूवी। अब देखो भोला को। भोला देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या ऐसी मूवी बन सकती है, वो भी रीमेक, हाँ बन सकती है। तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो जरूर जाओ, टिकट वैसे कितने का मिल रहा, पैसा मुंह से ले जाओ, मैं कहता तुम्हारे बहन से नौकर बैठा हूँ, कमा के लाऊं तुम्हें, चलो अपने धोर से ले जाओ। मूवी 3D में देखो, 2D में देखो, कोई फर्क नहीं है, मजेदार तरीके से देखो, बट मैंने 3D में देखी, चश्मा लगा, एक चश्मा भी मैंने उतार दिया यार, कितनी तगड़ी मूवी लग रही, फिर मुझे दिखाने दे, फिर मैंने चश्मा दोबारा लगा दिए। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो जाके जरूर देखो, थिएटर को फाड़ दो, क्योंकि इतना हल्ला होने वाला है, बहुत ही तगड़ा। मुझे एक भी सीट खाली नहीं मिली, सबसे लास्ट में मेरी ही भरी, क्योंकि मैं लेट पहुंचा, बट मजा पूरा है। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको मूवी का रिव्यू सुनने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और मूवी जाकर जरूर देखो, फिर कमेंट करके बताओ मूवी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, और बने रहो हमारे चैनल के साथ।